ही कोई मूर्तिकार हो पत्थर दे दे, हम लोगों को पत्थर दे दे, छिनी हथौड़ी औजार दे दे छोटे बड़े, और ये कहा जाए कि भाई इसमें मूर्ति बनाओ, चाहे आप भगवान राम की बनाओ या फिर कबीर की बनाओ या हनुमान की बनाओ या बुद्ध की बनाओ, बनाओ तो जानते हैं हम लोग क्या करेंगे? छिनी हथौड़ी भी लेंगे, पत्थर में काम भी करेंगे और पत्थर को इतना बिगाड़ेंगे कि कलाकार आके भी ना बना पाए। अब ऐसा होगा ना? क्यों होगा? वो इसलिए होगा कि हम तो कभी काम ही नहीं किए उसमें हैं, लेकिन वही छिनी वही हथौड़ी वही सारे औजार लेकर के जब किसी कलाकार को पत्थर मिल जाता है तो इतनी सुंदर मूर्ति का निर्माण करता है कि उसकी कीमत बहुत अधिक होती है, देखने में भी आकर्षक होता है, पत्थर की भी आकृति प्रकृति सब बदल जाती, चमक बदल जाती है। यही बात है, हम सबके पास भी वो औजार है, वो संसाधन है, अब उसका उपयोग सही तरीके से करना है। जैसे मैंने कहा कि कलाकार को मूर्ति बनाना हो पत्थर में तो औजार चाहिए। कलाकार चाहे वो पत्थर की मूर्ति बनाता हो, चाहे लकड़ी से कोई फर्नीचर बनाता हो, चाहे कपड़े का वो जो सीधा साधा कपड़ा है उसको काट करके सिल करके सुंदर सूट तैयार कर देता हो, या फिर कोई सोनार सोनी सोना हो या चांदी हो उससे ले करके वो क्या करेगा, सुंदर सा आभूषण तैयार कर देता है। ये कब कर पाता है? जब उनके पास में औजार हो, अर्थात औजार बाहर से। ऐसा नहीं है कि पत्थर तो मिला और अपने हाथ या नाखून के बल पर उसको बना दे, ऐसा नहीं करेगा, उसको औजार चाहिए। लेकिन एक बड़ी बात क्या है, वह हम सबको जीवन को सुंदर बनाने के लिए बाहर से औजार की जरूरत ही नहीं है। ये जिसको आप लोग की भाषा में कहें तो कह सकते हैं गॉड गिफ्टेड, ये प्रकृति प्रदत्त है, प्रकृति से स्वाभाविक रूप से हम सबके पास है। क्या है वह? वो औजार कौन कौन सा है जो हम सबके पास है, जो मैंने सुबह के सत्र में समापन के पूर्व बताया था, क्या है वह? वह है मन, वह है आपकी वाणी और वह है आपकी इंद्रियां। मन वाणी और इंद्रियां, इसी से जीवन का निर्माण होता है और इसी का गलत उपयोग से जीवन का विनाश होता है। निर्माण और विनाश, उत्थान और पतन, यही है करने का। मैंने बताया ना, औजार है लेकिन इस ढंग से चलाए कि पत्थर की आकृति बिगड़ गई, लेकिन उसी औजार से ऐसा उपयोग किया कलाकार आकर के सुंदर मूर्ति के रूप में निखर गई। अपने भी जो औजार है हम लोगों के पास में ना, इसका हम सही ढंग से प्रयोग करना जाने, अर्थात जीवन निर्माण के लिए करें। मतलब यह हुआ कि हमारा सोचना, हमारा बोलना और हमारा करना, ये तीन को ठीक कर लें बस जीवन ठीक हो जाता है। किसी से भी संबंध बनाना हो, किसी से भी वार्ता करनी हो, कोई काम करना हो तो इन्हीं तब को लेकर के चलना होगा। किसी काम को करने के पहले आप सोचते हैं, बातचीत करते हैं, काम करते हैं, और वो यदि कहीं गलत हो तो क्या होगा? काम गलत ही होगा फिर, और अच्छा हुआ तो क्या होगा? अच्छा होगा, अच्छा होगा। तो मैंने कल उस समय कहा था कि आप तय कर लें, आप यह तय कर लें कि आप कैसा जीवन चाहते हैं, आप तय कर लीजिए। हम में से बहुत कम लोग तय कर पाते हैं कि हम कैसा जीवन चाहते हैं। तो जैसा चाहते हैं पहले यदि तय कर लिए तो, तय कर लिए तो जैसा चाहते हैं उसी के बारे में सोचना शुरू कर दें, उसी के बारे में बातचीत शुरू कर दें, उसी के बारे में काम करना शुरू कर दें। एक विद्यार्थी
जब विषयों का विभाजन करना होता है, चुनाव करना होता है कि भाई किस सब्जेक्ट को लेके पढ़ूं, तो किसी ने कहा भाई मैं चिकित्सा शास्त्र पढ़ूं, चिकित्सा के बारे में वो अर्थात कहना चाहिए मेडिकल लाइन में हो गया। तो मेडिकल लाइन में जब जाएगा तो किस प्रकार की पुस्तकों को पढ़ेगा, मेडिकल वाली पढ़ेगा, सीधी सी बात है। और उसके विचार किस प्रकार के आएंगे, वही चिकित्सा के संबंध में आएंगे। सोचेगा ना उसी के बारे में, जो उसकी जो मित्र मंडली होगी, मित्र होंगे वो किसको होंगे, उसी प्रकार के लोग मित्र होंगे जो उस प्रकार से काम कर रहे हैं। जो बोलेगा तो उस प्रकार की चर्चाएं होंगी, काम भी उसी का करेगा। ऐसा थोड़ी है कि वो मेडिकल का छात्र बने, एडमिशन ले ले और क्या करे, इंजीनियरिंग वाले क्लास में जाकर बैठे, उनसे मित्रता करे, उनकी पुस्तकों को पढ़े, तो नहीं हो सकता है। बिल्कुल सीधा साधा गणित, बहुत सीधा साधा गणित है ये। तो क्या करना है, आप अपने विचारों को उस दिशा में प्रवाहित करिए, आपके शब्द भी उसी दिशा में जाए और आपके कार्य भी, आपके कदम भी उसी दिशा में निकले जो आप चाहते हैं। लेकिन जो चाहते हैं, इसके पहले मैं ये भी बता दूं कि हम सब क्या चाहते हैं कभी तय किए हैं। अच्छा मैं पूछूं क्या चाहते हैं आप, तो कुछ लोग कहेंगे नहीं जी मेरे लिए तो एक बड़ा मकान चाहिए, कहेंगे ना, कहीं नहीं मकान तो मेरे पास है, बड़ी गाड़ी चाहिए। अच्छा वो भी ठीक है, तो उसको क्या कहें, मुझे एक अच्छा जीवन साथी चाहिए। देख रहे हैं, ये आपके जीवन की मांग नहीं है, ये आप थोड़ा क्लियर कट सुन लें, ये आपकी मांग है, जीवन की मांग नहीं है। जीवन की मांग वह है जिसे कोई नकार नहीं सकता, अर्थात जो आपके जीवन में चाहिए वो दूसरे के जीवन में भी चाहिए, वो तीसरे के जीवन में भी चाहिए, सबके जीवन में वो चाहिए, वो जीवन की मांग है, वो जीवन की मांग है। और जो आप वस्तुओं की मांग कर रहे हैं ना, वो आपकी अपनी अभी की मांग है, अभी की मांग है। लेकिन ऐसी चीज जो सभी चाहें वो क्या है, वो क्या है, मैं एक दो उदाहरण बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे। जैसे मैं पूछूं आप और हम में से कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि मैं स्वस्थ जीवन जीऊं, और कितने लोग हैं मैं बीमारी का जीवन जीऊं। जो बीमारी का जीवन जीना चाहते हैं जरा हाथ उठाएं, मैं बीमार रहना चाहता हूं, कोई है नहीं। इसका मतलब सभी लोग चाहते हैं ना, इसमें कोई दो मत है, कोई दो मत है, कोई दो मत नहीं है। तो हो गई ना जीवन की मांग, मैं स्वस्थ जीवन चाहता हूं। दूसरी बात, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो परिवार के साथ में, अर्थात जिन लोगों के साथ रहते हैं उनके साथ में प्रेम पूर्ण संबंध हो, मधुर संबंध हो, और कितने लोग चाहते हैं कि लड़ाई झगड़ा वाला संबंध हो, कितने लोग होंगे लड़ाई झगड़ा वाला हो, कोई नहीं चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा। सब क्या चाहते हैं, संबंध कैसे हो, प्रेम पूर्ण हो, ठीक है। तीसरी बात पूछ रहा हूं, कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं समृद्ध जीवन जीऊं, मेरे पास पर्याप्त धन हो, और कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि मैं गरीबी का जीवन जीऊं, मेरे हाथ में कटोरा मिले, भीख मांगने को मिले, कोई है, कोई नहीं। धन चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि मैं आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करूं, और हम में से सभी लोग ये चाहेंगे कि मैं, मेरा मन शांत रहे, मेरा मन प्रसन्न रहे, सब चाहेंगे, कोई नहीं चाहेगा मेरा मन अशांत हो, मेरे मन में तनाव बना रहे, कोई नहीं चाहता है। ये आपके जीवन की मांग है, ये जीवन की मांग है। अब क्या करना है, जो आपके पास शक्ति है उस पूरी शक्ति को उस दिशा में प्रवाहित कर दें। इतना सरल सा काम है ये, देखो सरल सिद्धांत को बता रहा हूं, बिल्कुल सरल है। न कर पाते हो ये अलग बात है, और मैंने कहा ना आप सोचते तो है ना भाई, ऐसा कोई कह सकता है कि मैं तो सोचता ही नहीं हूं, सोचते हैं, बस सोचते हैं, उसको क्या सोचना है ये आप तय करें। क्यों क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि आपके भीतर जा करके कोई दूसरा नहीं सोचता है, दूसरा नहीं सोचता है, आप ही सोचते हैं, आप ही सोचते हैं। जैसे आप घर में बैठ करके मस्त
एक सोच में पड़े हुए थे, आपको किसी के शादी में जाना हो, कुछ सोच रहे थे, ऐसा ऐसा सोच रहे थे, ये कर रहे थे, सोच रहे हैं मस्त। इतने में एक फोन आ गया, आपके एक मित्र का एक्सीडेंट हो गया। सोच बदल गई कि नहीं बदल गई? उसी समय विचार बदल गया ना, तो अंदर से कौन बदला? आप ही तो बदले हैं। अभी दूसरा कुछ सोच रहे थे, शराब से भी दूसरा कुछ सोचने लग गए। क्या कहा? इसका मतलब है विचारों को बदल सकते हैं आप। सीधी सी बात है, सुबह विचारों को बदल सकते हैं नहीं करते। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जब विचारों को जब बदल सकते हैं, रात में ध्यान करते सोते जो चाहते हैं, मोबाइल का ध्यान करते सोता है। अर्थात क्या मैं सही कह रहा हूँ? सुंदर स्वास्थ्य घर घर देखते हैं, संबंध करते हैं, मधुर बनाने के लिए सोचो, अकेले बैठने का ध्यान, अधिक से अधिक धन पाने के लिए सोचो, आत्मचिंतन का समय ही नहीं है, अच्छी पुस्तकों को पढ़ने का समय ही नहीं है, मन वाला बनूं इसके लिए सोचो, पुस्तक को न पढ़ने का जैसे कसम खा ली है, मुश्किल काम तो नहीं। इसमें से कितने लोग हैं जो पढ़े? क्यों मैं बताता हूँ, कितना कठिन है ये काम, गए ही नहीं है जिनको, लेकिन यदि कोई काम पहचान कर ले, कितने लोग जरा हाथ उठाए, जीवन जो कभी पढ़े ही नहीं है वह बन जाए, जो बनना चाहता है वो, कितनी खुशी की बात है। आप सभी पढ़े लिखे हैं, क्यों एक दिन सभी पढ़े लिखे करके संकल्प ले, चाहता हूं आज मेरे महीना में नकारात्मक विचार नहीं आना चाहिए, महीना गलत विचार नहीं आना चाहिए। पुस्तकें पढ़ते हैं एक दिन में भी, अच्छा छोड़ दो, होश उड़ जाएंगे पिछले साल जो साल एक दिन में होश उड़ जाएंगे पुस्तक पढ़ के, आपको तब पता चल जाएगा कितने ये सारी वो सारी बातें को सोचते हैं जो सचमुच हम जीवन में चाहते ही नहीं। स्थिति में आप अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं, अनावश्यक विचार हमारे मन में चलते रहते हैं। कौन से अपने विचारों को आने की जरूरत है उपदेश करने के लिए, बुद्ध को आने की जरूरत है उपदेश करने के लिए, नहीं जानते हैं आपके भीतर, हम सबके भीतर बचपने से नहीं है, बोलना सिखाया गया, स्वयं आत्मा को चलना सिखाया गया, अंदर से पढ़ना लिखना सिखाया गया, खाना पीना सिखाया गया, सोचना थोड़ा सुंदर बनाऊं सिखाया गया, दुख में आप नहीं सिखाते हैं, बता ही नहीं जाता कि विचारों का क्या महत्व है। और ये जब कहता हूँ समस्याओं से घिरे रहते हैं और समस्या हर बार आती है, जीते रहते हैं। एक लेखिका कभी तो लुईस एल हे, चाहे पारिवारिक पुस्तक है, यू कहीं अनमन हो, चाहे पति पत्नी भी किसी बात को लेकर, छोटे से मूवी भी है उनका, क्यों एक या सवा घंटे कितने का है, डेढ़ घंटे का मूवी है, छोटा सा कर सकते हो, नाम ही है ये यू कैन हियर लाइक, कभी आप सर से पहले यूट्यूब में बातचीत कर लो, और कभी भी पुस्तक कर पाते हैं, पढ़ सकते हैं, यू कैन हियर लाइक हिंदी में भी है, और लेखक का नाम भी बता दिया, बीमारी को ढोते चले जाते हैं, चार पुस्तकें पढ़ी है, आप खुद ही सोच लीजिए इस चीज में क्या लिखा है, बिगड़ गया जिसके लिए मैं याद किया हूं, देख लो जरा से लिखा है, ठीक ठाक कर लो इस चीज को, आज कहां गड़बड़ी है, कैसे खान पान को लड़ाई कैसे करूं, वो कर रटाई जाती है, ठीक कर लो ठीक से हो जाएगा बढ़िया से, हिस्ट्री पढ़ाते हैं ना, इतिहास, बीमार रहना कोई जरूरी होता है, दुखी होना कोई जरूरी है, लड़ाइयों की तिथियां रटाई जाती है, मुझे समझ में नहीं आता कि लड़ाइयों की तिथियों को रटने से बच्चों के कारण चारों तरफ मौजूद हैं, आप भी दुखी हो सकते हैं, ये भी असंभव नहीं है, विचार आपके जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं, और आप विचारों को बदलकर जीवन को कैसे बदल सकते हैं, लगे ये कोई इसके बारे में क्यों नहीं बताया जाता है, अरे ठंडी के मौसम में ठंडी लगेगी ही, सोच रहे हो ना, अनहोनी बात क्या है, ये सुबह ही कहना चाहिए, आश्चर्य वाली बात से वार्ता आपके पास तक है, रजाई है, सेड हेलमेट है कि उन्होंने लिखा है गरम गरम की क्या गरम गरम कपड़े वहां से बात करें और करें क्या बताऊं, बहुत ठंडी लगी, पुस्तक का नाम ही है, ये समझ बात आती है, जब ठंडी लगी तो रजाई ओढ़ लो ना, करें वो चादर ओढ़ लो ना, उनके दो पुस्तक होना चाहिए, क्या कहें जब स्वयं से बात करें, जाओ दूसरों से बात करना तुम जान जाते हैं, लगी है स्वयं से बात करो, आग के पास नहीं जाते हैं, जानते हैं जहां बर्फ की सिल्लियां लगी है ना, वहां जाकर बैठते हैं, आत्मवार्ता पर ध्यान दिया, यही गलती करते चले जाते हैं, ध्यान दिया जिन कारणों से, जो हम बोलते हैं क्योंकि आसपास में ऐसे लोग रहते हैं, गलत खान पान से बड़े भी लोग रहते हैं, गलत खान पान से, तो कभी भी रहा है सबसे बोलने में कहीं त्रुटि हो गई, नुकसान कर रहा है, बुजुर्ग बैठे वो डांटते थे, फिर संभल करके बोलो, संयम से बोलो, क्या बोल रहे हो, वो गलत है कि नहीं, ध्यान रखते हैं, लेकिन अंदर जब बोलते रहते हैं अपने आप से, कोई बोलने वाला नहीं, इसलिए बोलने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, उससे दूर जाने की शक्ति भी आप में है, लेकिन जो अंदर है, लेकिन अंदर जो आप बोले जा सकते, यह भी उसको ब्रेक लगाना सीख गया, ये भी आप कर सकते हैं, उसको दिशा देना सीख गया, वो अपने जीवन को ही दिशा दे देता है। आप कई बार होता है कि जिनके बारे में आपको लगता है कि वो मेरे विचारों के विरुद्ध हैं, या मेरे साथ उनने अच्छा व्यवहार नहीं किया, जब उनका ख्याल आया अचानक
तो उनके बारे में इतनी नकारात्मक वार्ता आप करते रहते, चर्चा अंदर अंदर कल्पना करते रहते हैं कि उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, मैं देख लूंगा, मैं करूंगा, वो बताऊंगा, वो करूंगा, मैं उसका मजा चखा करके रहूंगा, उनके बारे में ऐसा कहूंगा, वो करूंगा कि बस उसकी मिट्टी ही पलीद हो जाएगी। वो आदमी सुन नहीं रहा है ना, आप सुन रहे हैं, सही है ना, आप सुन रहे हैं। और आपको क्या लगता है, यदि आपके भीतर में, कल्पना करिए, आपके भीतर में बैठे बैठे नफरत, बदले का भाव, द्वेष का भाव, घृणा का भाव, ईर्ष्या का भाव ऐसा जग रहा हो, आप शांत रह पाएंगे? आप प्रसन्न रह पाएंगे? किसी के विषय में भी गलत सोच करके, किसी के नुकसान के बारे में सोच करके आप जो सोचते हैं वो बीज है। इसको बिल्कुल सरल तरीके से समझे, आप जो यहाँ सोचते हैं ना वो बीज है, और वो बीज गिर जाता है आपके यहाँ दिल में और वो पनपता है। ध्यान देना, आप अपने लिए सोचते हो कि दूसरे के लिए सोचते हो ये वो भीतर वाला नहीं जानता है, वो बस आपके मन में विचार क्या है, बस ये महत्वपूर्ण है। अभी इस विषय को मैं विस्तार नहीं देता हूँ, बल लेकिन जानकार लोगों बैठे इसलिए मैं बता देता हूँ। एक होता है अवचेतन मन, दूसरा होता है चेतन मन। जो चेतन मन से आप सोचते रहते हैं और अवचेतन में जाकर के वो संग्रहित होता चला जाता है, और जिसके विषय में लगातार सोचते रहते हैं वो आपके जीवन में घटना शुरू हो जाता है, लगना शुरू हो जाता है। वी बिकम व्हाट वी थिंक अबाउट, हम वही बन जाते हैं जो सोचते रहते हैं, वही बन जाते, वही हो जाता है। बड़ोदरा में एक बहन थी, स्कूटर से रोज जाती थी। एक बार संत आए उनके यहाँ, आते रहते थे, तो हाथ में प्लास्टर बंधा था। क्या हो गया हाथ में? साहब क्या बताऊँ, स्कूटर से जा रही थी, गिर गई। अरे इतने दिन से चला रहे हो, पता नहीं साहब, सुबह और जब निकली तभी लगने लगा, कहीं गिर ना जाऊँ, एक्सीडेंट ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, बार बार हो रहा था। क्या सोच रहे थे? नहीं चाहते कि एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन सोच क्या रहे थे? एक्सीडेंट ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, हो गया। सही है ना? आप जो नहीं चाहते उसके बारे में सोच रहे हैं, चाहिए क्या? जो चाहिए उसके बारे में सोचना शुरू कर दो, चाहिए उसके बारे में सोचना शुरू कर दो। तो आप जिसके बारे में लगातार सोचते रहते हैं, अब दूसरे के बारे में भी सोचेंगे। मैंने अभी बताया ना, नफरत और घृणा के विचार दूसरे तक वो पहुंचे कि न पहुंचे, लेकिन आपका दिल पूरे कचड़ा से, गंदगी से भरा रहेगा। और जिसके दिल में गंदगी हो, जिसके अंतस में अपवित्रता हो, क्या वो सुख और शांति का अनुभव कर सकता है? क्या वो परमात्मा का अनुभव कर सकता है? लोग चाहते हैं मुझे भगवान के दर्शन हो, तो भगवान के दर्शन कहाँ होंगे? ये पंक्ति आप लोग सुने हैं, तूने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे, सुने हैं नहीं सुने हैं? तूने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, तो बाहर के आंगन ही की केवल बात नहीं है। बाहर आपके घर में कोई समधी आए या आपके गुरुजन आए, आपके दामाद आए, तो क्या करते हैं? घर की सफाई कर देते हैं, जो चादर वगैरह है साफ सुथरा बिछाते हैं, सही है ना? आपके घर मेहमान आने वाले हैं, घर गंदा, कपड़ा गंदा, सब कुछ अस्त व्यस्त है, आपको नहीं 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 साफ करके बैठो एक मेहमान के लिए। और भगवान आपके घर पधारे तब कैसे होना चाहिए? ऐसे थोड़ी भगवान आकर आपके चारपाई में बैठेगा, भगवान तो यहाँ भी राजेगा ना दिल में। वो दिल गंदा है, वो आपके दिल में क्या है, नफरत और द्वेष के विचार हैं, ईर्ष्या के विचार हैं, गंदगी के विचार हैं। भगवान विराजेगा वहां पर, क्या उनका दर्शन हो सकता है? नहीं हो सकता है। दिल की स्वच्छता, ये कबीर साहब की पंक्ति याद करो, हृदय भीतर आरसी मुख देखा नहीं जाए, दिल तो तभी देखियो जब दिल की दुविधा जाए। नहीं, मुख तो तभी देखियो जब दिल की दुविधा जाए। अंदर है दर्पण, और साहब ने यह भी कहा है, जब दर्शन को दिल चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए, दर्पण में लागी काई तो दर्श कहां से पाई, गुरु से कर मेल गमारा क्या सोचत बारंबारा। दर्पण के सामने जाओ और धूल लगी हो दर्पण में, तो क्या चेहरा दिखाई देगा? हमारे मन में जहां पर आत्मा का प्रतिबिंब पड़ना चाहिए वो गंदगी से भरा हुआ है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है।
इसलिए उसको सही करना बहुत जरूरी है। इसके बदले में आपके मन में आता है प्रेम और मैत्री के विचार, सहयोग का भाव, क्षमा का भाव जगता है, करुणा का भाव जगता है, आनंद का भाव जगता है, शांति के भाव जग रहा हो, दूसरे का भला हो ऐसा मन में जग रहा है, उसका भला हो ये आप सोच रहे हैं। दूसरे का भला कब होगा वो बात की बात है, आपका भला शुरू हो जाएगा। क्यों? आपके भीतर पवित्रता का संग्रह है, आपके भीतर में सद्गुणों का संग्रह है, इसलिए आपका भला होगा पहले, क्योंकि आपने भीतर में बचा के क्या रखा है, आप अंदर बना के क्या रखे हैं, और जो आपके भीतर है उसी से तो आपको परिणाम मिलेगा, उसी से परिणाम मिलेगा। जैसे और बिल्कुल सरल उदाहरण से आप समझ सकते हैं, इतना बड़ा बर्तन आपके घर हो, होता ही है, जिसमें आप भात बनाते हैं या पानी गर्म करते हैं, दूध गर्म, इतना बड़ा बर्तन हो स्टील का, उसमें आप कोयले का जलता हुआ अंगारा, लाल लाल कोयला जल रहा हो, उसको आप भर दें बर्तन में, तो जो पहली आंच है, गर्मी है, ताप है, वो किसको मिलेगी? बर्तन को। पहला नुकसान किसको होगा? बर्तन को। फिर आसपास के गर्मी बाद में पहुंचेगी बाजू में, सही है ना, बाजू में पहुंचेगी, लेकिन पहले आपके भीतर। अच्छा, आप थोड़ा बदल करके देखिए, उस अंगारे को फेंक दीजिए आग को, इसके बदले में क्या करना है? फ्रीज से बर्फ के टुकड़े निकाल लें और उसको बर्फ से भर दें। शीतलता पहले किसको मिलेगी, ठंडकता किसको मिलेगी? उसी बर्तन को, फिर बाद में बाजू वाले की। आपके भीतर में आग है या आपके भीतर में बर्फ है, अर्थात आप नकारात्मक भावों से जल रहे हैं या अच्छे विचारों से आप शीतलता महसूस कर रहे हैं, इस पर परिणाम आता है, इस पर आता है। आप केवल आरती जला करके, अगरबत्ती जला करके, फूल माला समर्पित करके आप अपने जीवन का उद्धार चाहेंगे, कभी नहीं हो सकता है। ये दो टूक बातें हैं, मैं घुमाने फिराने वाले बात ही नहीं है ये, नहीं तो होता क्या है, धर्म के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा धोखेबाजी चलती है वो क्या है, ये माला जप लो, ये मंत्र जप लो, ये पूजा कर लो, ये देवी की पूजा कर लो, ये देवता की पूजा कर लो, अमुक समय व्रत रह लो, अमुक नदी में जाके नहा लो, अमुक नक पहन लो, आजकल चलते ना नक पहनने वाला, या ये कर लो वो कर लो, आजकल तो एक नया फैशन भी चल पड़ा है, पैर में क्या करते हैं, काला धागा पहन लो। अब आज तो बारी नहीं, कल बताता हूँ इसके बारे में, थोड़ा सी विचार ख्याल आएगा तो। ये क्या है अंधविश्वास और भ्रम क्या है? आज मैं केवल इतनी सी बात कहना चाहता हूँ कि आप ये चाहते हैं कि केवल थोड़ा बहुत आप ऐसा टोटका कर लें, टंट घंट कर लें, कर्मकांड कर लें और आपका जीवन बदल जाए, ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा ना, छीनी हथौड़ी ले करके जैसे गढ़ते और छिलते हैं तब जाकर के जीवन बदलता है। तो आपको कभी अकेले में बैठना होगा और बैठ करके उस विचारों को देखना होगा, मेरे मन में कैसे कैसे विचार आ रहे हैं। यदि वो गलत विचार हैं तो उसे आप बदल करके अच्छे विचार को स्थापित कर दो। मैं जानता हूं आप अच्छा भी सोचना जानते हैं, आप बुरा भी सोचना जानते हैं, अच्छा भी बोलना जानते हैं, गलत भी बोलना जानते हैं, अच्छा भी करना जानते हैं, गलत भी करना जानते हैं। कैसे? इसको बिल्कुल सहज ढंग से समझे। देखिए, मेरे पास हाथ हैं दो, मैं समझता हूँ आप लोगों के पास भी हाथ होंगे। अच्छा, जिनके पास नहीं जरा हाथ उठाएं। अच्छा है, सही है ना, सबके पास है। नहीं, कभी कभी ऐसा हो भी सकता है, असंभव नहीं और गलत भी नहीं है वो, भाई है, प्रकृति का है। तो दोनों हाथ हैं, इन दोनों हाथों का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं? दो तरीका बता रहा हूँ और दोनों के रिजल्ट आपको समझ में आ जाएगा। इन हाथों से मैं किसी के सामने जाकर के हाथ जोड़ करके प्रणाम कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं। कोई आदमी बीमार हो, कोई तकलीफ में हो, इससे सेवा भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं। किसी को कुछ देना हो, इन्हीं हाथों से, रुपया देना हो, भोजन देना हो, कपड़ा देना हो, इन्हीं हाथों से, तो सही है ना, दे सकता हूँ, एक तरीका। दूसरा तरीका है, इन हाथों से किसी को थप्पड़ भी मार सकता हूँ, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? अच्छा, मारते भी हैं, करते हैं। तो ये हाथ से ये भी हो सकता है, किसी के सामान को चुरा भी सकते हैं, छीन भी सकते हैं,
एक है हाथ जोड़ करके प्रणाम करना, हाथ वही है आप ना, आपके उपयोग कैसे कर रहे हैं। हाथ जोड़ेंगे उसका परिणाम अलग आएगा, थप्पड़ मारेंगे उसका परिणाम अलग आएगा। हाथ बाहर है लेकिन हाथ का उपयोग कैसे करना है वो चुनाव भीतर से, वो चुनाव भीतर से। आप ही तो करते हैं भीतर से, कोई दूसरा करता है क्या? आपके कपड़े, आप कैसे कपड़े पहनते हैं इससे आपके व्यक्तित्व के बारे में संदेश मिलता है। क्या कहा? ये थोड़ा कठिन है। आप कैसे कपड़े पहनते हैं आपके व्यक्तित्व के बारे में संदेश मिलते हैं, क्योंकि आप कपड़ा का चुनाव आप ही तो किए हैं। आप जाते हैं नहा धो करके और अलमारी के पास खड़े होकर जहाँ कपड़ों का संग्रहालय है वहाँ पर, और चुनाव करते हैं इसको पहनूँ किसको पहनूँ। अच्छा नहीं जी, आज तो शादी में जाना है या अमुक में जाना है, नहीं इसको पहनना, इसको पहनना, इसको पहनना, नहीं इसमें लोग कहते बहुत अच्छे लगते हैं, अच्छा चलो इसको पहन लेता हूँ। चुनाव आप कर रहे हैं ना, सही ना? कपड़े बहुत, चुनाव आप करते हैं। आपके सामने भोजन आ जाता है, या कभी कभी शादी इत्यादि में जाते होंगे वहाँ 10 प्रकार 20 प्रकार के भी भोजन रखे रहते हैं। आप चुनाव करते हैं कौन मेरा स्वास्थ्य के अनुकूल है और कौन मुझे पसंद है। चुनाव आप करते हैं ना, जो नहीं चाहिए छोड़ देते हैं और जो चाहिए उसको ले लेते हैं। बहुत से लोग हैं इसी शहर में, बहुत से बाजार में बहुत से लोग हैं, लेकिन मित्रता कुछ लोगों से है। क्यों? आपने चुनाव किया है, चुनाव किया। शादी के समय भी यही होता है, बहुत सी लड़कियां, बहुत से लड़के होते हैं नहीं उनसे शादी करनी है, वो पसंद के हैं, उनसे बातचीत हुई है। चुनाव आप ही तो करते हैं। इसी प्रकार से विचार करते समय, आप निर्णय चुनाव करते समय ये कर रहे हैं, इन हाथों का उपयोग कैसे करना है, परिणाम अलग अलग आएगा। दूसरी बात शब्दों का, मैंने कहा ना तीन, मन वचन और कर्म, तीन चीज है। तो क्या है शब्दों का प्रयोग? शब्दों में जैसे मैं एक आदमी से कहता हूं तुम बड़े बेवकूफ आदमी हो, क्या कहा? तुम बड़े बेवकूफ आदमी हो। लेकिन मैं कहता हूं उसको न कहकर कहता हूं आप भले इंसान हैं, समझ रहे हैं ना? शब्द मैं बोल रहा हूं लेकिन आप बताएं, भले इंसान किसी को कहूं या कहता तुम बड़े बेवकूफ आदमी हो, रिजल्ट अलग अलग आएगा कि नहीं आएगा? अलग अलग आएगा। का एक चीज और, जितना समय मुझे बोलने में लगा कि आप बड़े बेवकूफ आदमी हो, उतने ही समय में, उतनी ही शक्ति में मैं यह भी बोल पा रहा हूं आप भले इंसान हैं। समय उतना लगा, शक्ति उतनी लगी। जब उतना ही समय और शक्ति खर्च करना है तो अच्छा ही बोलो ना। मैं बस इतनी सी बात कहना चाहता हूं, समय उतना, शक्ति उतनी, फिर भी आप अच्छा रिजल्ट पा रहे हैं उतने से, उतने ही समय और शक्ति में अच्छा रिजल्ट पा रहे हैं, अच्छा करके, उतने ही समय और शक्ति लगा करके, अच्छा सोच करके। जैसे मैंने बताया ना, अभी बैठा बैठे बैठे सोच रहा हूँ जिसके बारे में अच्छे विचार नहीं, उसका एक्सीडेंट हो जाता, उसकी नौकरी छूट जाती, उसके घर आग लग जाती, वो बीमार पड़ जाता। देखो कैसे सोच रहे हैं, सोच रहे हैं ना? लेकिन ये सोच सकता हूँ आपका भला हो, आप समृद्ध हो, आपका सब सम्मान करें, आप स्वस्थ रहें, आपको सब दिशा में वृद्धि मिले। एक विचार, समझ रहे हैं विचारों को कितना अंतर आ गया? इसी से वही समय उन्हीं शक्ति को ले, उतनी ही शक्ति को लेकर के एक अच्छे विचारों की ओर जब आप चल पड़ते हैं, आपका भी भला होने लगता है और उनका भी भला होने लग जाएगा। यही तो चाहते हैं ना, यही तो चाहते हैं। अब आप जब इस चीज को गौर करेंगे तो पता चल जाएगा आपको कि हम कितना मिस कर रहे हैं जीवन को, कितना जो हम पा सकते हैं जीवन में उससे हम कितना चूक रहे हैं, कितना उससे वंचित होते चले जा रहे हैं। आप जीवन की परम ऊंचाई पर जा सकते हैं, हम सभी, लेकिन न विचारों पर ध्यान देते हैं, न शब्दों पर ध्यान देते हैं, न कार्यों पर ध्यान देते हैं। और जब हमारे जीवन में बेध्यानी से जीवन जीने पर, असावधानी से जीवन जी करके जब दुख आता है, अशांति मिलती है, क्या बताएं, हमारे कर्म में ही ऐसे ही है, हमारे भाग्य में ही दुख है, हम क्या कर सकते हैं? ये ऊपर वाला भी कोई हमारे ऊपर कृपा नहीं करते हैं, तब कह रहे महाराज कृपा करो कुछ हमारा दुख घटे। कौन कृपा कर देगा दुख घटाने के लिए? कौन कृपा कर देगा जीवन की आपकी समस्या को समाप्त करने के लिए? कोई उपाय बता सकता है? करना आपको पड़ेगा, करना आपको पड़ेगा।
इसलिए ये हमेशा ध्यान रखें कि आप सही सोचें, सही बोलें, सही करें। और सही के बारे में बताया भी मैं कि आपका एक लक्ष्य है। आपका क्या लक्ष्य है? मैं जो सोच रहा हूँ क्या मेरे सुंदर स्वास्थ्य के लिए है? क्या मैं जो सोच रहा हूँ परस्पर में, परिवार के साथ में प्रेम या रिश्तों में मधुरता लाने के लिए है? क्या जो मैं बोल रहा हूँ क्या मेरे मानसिक शांति में सहयोगी है? देख लो जरा इन सब चीजों को। और कभी गलती हो भी गई, कभी चुग भी गए, हो सकता है असावधानी हो भी जाती, हम सभी मनुष्य हैं, तो जब असावधानी हो गई तो फिर से ध्यान दे दो इस चीज को, शाम को बैठो। इसीलिए तो कहा जाता है सुबह शाम थोड़ा बैठो, बैठते ही नहीं है, समय ही नहीं है। और आजकल तो एक चीज है, एक चीज आ गई, टाइम किलर। नाम सुने टाइम किलर? समय का हत्यारा है कि नहीं? सबके हाथ में इतना बड़ा, जो समय की हत्या करने वाला टाइम किलर, एडिक्शन, मोबाइल लत, मोबाइल का लत, ये शराब से भी बढ़ के है। क्या कहा? शराब से भी बढ़ के। शराब तो आदमी कभी कभी पीता है, और मोबाइल, सुबह उठ करके भगवान का भजन नहीं करता, मोबाइल करता है। रात में ध्यान करते नहीं सोता है, मोबाइल का ध्यान करते सोता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? घर घर देखते हैं, अनुभव करते हैं, कहाँ अकेले बैठने का ध्यान है? नहीं है। आत्मचिंतन का समय ही नहीं है, अच्छी पुस्तकों को पढ़ने का समय ही नहीं है। आजकल तो पुस्तक को न पढ़ने का जैसे कसम खा लिए हैं। अच्छा बताओ, इसमें से कितने लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है? जरा हाथ उठाएं। जो स्कूल गए ही नहीं है, जिनको क ख ग पहचानने में नहीं आता, कितने लोग हैं जरा हाथ उठाएं? जो कभी पढ़े ही नहीं है, स्कूल गए ही नहीं है, कितनी खुशी की बात है। आप सभी पढ़े लिखे हैं, सभी पढ़े लिखे हैं। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, महीना में कितनी पुस्तकें पढ़ते हैं? महीना में? अच्छा, साल में कितनी पुस्तकें पढ़ते हैं? अच्छा छोड़ दीजिए, पिछले साल जो साल बीत गए हैं कितने पुस्तक पढ़ के खत्म किए हैं? राम कहो, शायद एक भी नहीं। सही कह रहा हूं? अब ऐसी स्थिति में आप अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं कि जीवन का विनाश कर रहे हैं? कौन से बुद्ध? इसके लिए कोई कबीर को आने की जरूरत है उपदेश करने के लिए? बुद्ध को आने की जरूरत है उपदेश करने के लिए? आपके भीतर, हम सबके भीतर स्वयं जागृति नहीं है, स्वयं आत्म वो नहीं, अंदर से विचार नहीं जगता है कि मैं सचमुच जीवन को थोड़ा संवारूं, जीवन को थोड़ा सुंदर बनाऊं। दुख में आप रहते हैं और दुख में जीते रहते हैं। क्या है? समस्याओं से घिरे रहते हैं और समस्याओं में जीते रहते हैं। कभी तो बैठ कर के सोचो, चाहे पारिवारिक रिश्तों में कहीं खटास हो, कहीं अनबन हो, चाहे पति पत्नी में किसी बात को लेकर के सोचो, क्यों है आखिर में? हम प्रेम से भी तो रह सकते हैं, अच्छी वार्ता भी तो कर सकते हैं, बात कर लो, नहीं भैया ऐसा है, नहीं वैसा है, थोड़ी सी बातचीत कर लो, थोड़ा सा नहीं कर पाते हैं और उसको ढोते चले जाते हैं। दुख को आप, बीमारी को ढोते चले जाते हैं। आप खुद ही सोच लीजिए इस चीज को, स्वास्थ्य बिगड़ गया है, क्यों बिगड़ गया, देख लो जरा से, ठीक ठाक कर लो उस चीज को, कहाँ गड़बड़ी है, कैसे खान पान को चेंज करूं, कैसे करूं, वो करूं, ठीक कर लो, ठीक से हो जाएगा, बढ़िया से। बीमार रहना कोई जरूरी है? दुखी होना कोई जरूरी है? देखिए, दुख हो सकता है, असंभव नहीं है। दुख के कारण चारों तरफ मौजूद हैं। आप भी दुखी हो सकते हैं, ये भी असंभव नहीं है, होंगे। जैसे ठंडी का मौसम हो, ख्याल करिए, ठंडी का मौसम हो और ठंडी लगे, ये कोई अनहोनी बात है? अरे भाई, ठंडी के मौसम में ठंडी लगेगी ही, लेकिन अनहोनी बात क्या है? ये एक कहना चाहिए, आश्चर्य वाली बात क्या है? आपके बाजू में रजाई है, कंबल है, चादर है गरम गरम, और गरम गरम कपड़े वहां पर रखे हैं, और करें क्या बताऊं, बहुत ठंडी लगी है, ये समझ में बात आती है? अरे भाई, ठंडी लगी तो रजाई ओढ़ लो ना, चादर ओढ़ लो ना, होना चाहिए ना, या आग जल रही आग के पास बैठ जाओ। लेकिन लोग क्या करते हैं, ठंडी लगी है तो आग के पास नहीं जाते हैं, जहां बर्फ की सिल्लियां लगी है ना, वहां जाके बैठते हैं और अधिक ठंडी लगे, यही गलती करते चले जाते हैं। जिन कारणों से आप दुखी हैं, आप अस्वस्थ हैं, गलत खान पान से, डॉक्टर कह भी रहा है इसको छोड़ दो, बहुत नुकसान कर रहा है स्वास्थ्य के लिए, फिर भी
फिर भी लेते कि नहीं लेते हैं, सही है ना, वो गलत है कि नहीं है। आपको होशवास में जी नहीं रहे तो कैसे होगा इस चीज को। इसलिए दुख है तो दुख से दूर जाने की शक्ति भी आप में है। दुख तो है लेकिन दुख से आप पार जा सकते, यह भी योग्यता आप में है, ये भी आप कर सकते हैं। कोई आदमी रो सकता है, कोई आदमी रो सकता है तो वह आदमी हंस भी सकता है। हंस सकता कि नहीं हंस सकता है, वो कहे कि नहीं जी मैं तो हंसना जानता ही नहीं हूं, ऐसा तो नहीं होगा ना। कोई आदमी रो सकता है तो वह हंस भी सकता है। तो आप कोई दुखी हो सकता है तो वो सुखी भी हो सकता है, वो हो सकता है, बस वो सुख वाला काम शुरू कर दे, बदल दे अपने आप को। और इसके लिए आपको पढ़ना लिखना कोई जरूरी नहीं है, इसके लिए बहुत धन का होना कोई जरूरी नहीं है। धन नहीं है तो भी आप सुखी जीवन जी सकते हैं, अनपढ़ है तो भी सुखी जीवन जी सकते हैं, जी सकते हैं। कोई जरूरत नहीं कि आप बहुत पढ़े लिखे हो, बिल्कुल अनपढ़ हो वो भी, कितनी बड़ी बात है ये। वो सब कर सकते हैं जो जीवन पाए हुए हैं। बस मैं इस पक्को कहता हूं, ये बात ख्याल आती है, उधर ही था जहांगीर में एक घर बैठा था, वो इंजीनियर इरिगेशन विभाग में, पति पत्नी बैठे थे और छोटी सी बिटिया थी वो गोद में थी, और उन लोगों से इसी जीवन के संबंध में बोल रहा था। उनकी दादी बाजू में बैठी थी और लोग नहीं थे, तो बोल रहा था भी जीवन को इस प्रकार सुंदर बनाना चाहिए, ऐसे करना है वैसे करना है। दादी भी सुन रही थी, उसने कहा साहेब जी हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, ये सब हम कैसे कर पाएंगे, जीवन को कैसे सुंदर बना पाएंगे। मैंने कहा माता जी जीवन को सुंदर बनाने के लिए पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिना पढ़े लिखे भी सुंदर बना सकते हैं। फिर मैंने क्या कहा कि बिना पढ़े लिखे कोई बीड़ी पीना शुरू कर सकता है, बीड़ी पी सकता है, तो बिना पढ़े लिखे बीड़ी पीना छोड़ भी तो सकता है। क्या कोई कहेगा नहीं जी हम तो अनपढ़ थे इसलिए बीड़ी पीना सीख गए, अब तो बीड़ी छोड़ने के लिए पढ़ना लिखना पड़ेगा, ऐसा कोई कंडीशन है क्या, ऐसे कोई शर्त है क्या। सीधी सी बात है, आप अनपढ़ थे या पढ़े लिखे थे, बिना पढ़े लिखे आप बीड़ी पीना शुरू कर सकते हैं तो बिना पढ़े लिखे बीड़ी पीना छोड़ भी सकते हैं। बिना पढ़े लिखे आप गाली देना सीख सकते हैं तो बिना पढ़े लिखे गाली देना छोड़ नहीं सकते हैं, क्या है कठिन है। अरस्तु या किसी ने कहा है कि जिस काम को करने की शक्ति हम में है, ये सूत्र याद रखिए, जिस काम को करने की शक्ति हम में है उस काम को न करने की भी शक्ति हम में है। अर्थात इसको और सरल भाषा में, आप जिस रास्ते से घर से यहां तक आए हैं आप उस रास्ते में वापस घर जा भी सकते हैं, जा भी सकते हैं, जा सकते हैं ना, बस यही तो है। आप जिस शक्ति को लेकर के गलत खान पान कर रहे हैं उसी शक्ति का उपयोग करके उसको छोड़ भी सकते हैं। इतना सरल है जीवन का बदलना, लेकिन लोग इतना सरल होने के नाते विश्वास नहीं जगता है, कठिन से कठिन काम करना चाहते हैं तब लगे कि मैं कुछ कर रहा हूं, कठिन बहुत कठिन। कई बार तो कहीं कहीं जब भ्रमण में रहते हैं तो देखता हूं मैं कि लोग कहते हैं, उधर राजस्थान में था, कई कई किलोमीटर तो पैदल ही जा रहे हैं, वो भी कई लोग तो नंगे पैर वहां तक जाएंगे। अभी मैं अयोध्या में था, आया तो वो पानी चल करने वाले, वो क्या वो करते हैं, वो बोलबम वाला, कहाँ से आए भैया, वॉकिंग में गए थे सुबह हम लोग, मिले तो आ रहे थे, कहाँ से ले जाएंगे, यहाँ से जल ले जाएंगे वहाँ डालेंगे, कितने इतने किलोमीटर, 50-60 किलोमीटर, कितना, क्या बात है। और उधर बिहार इत्यादि में यहाँ भी शुरू है, उधर नयापारा राजिम तरफ भी हम जब ध्यान सिर वगैरह हम आते थे देखते थे वो बोलबम बोलबम, एक महात्मा कहा करते थे बोलबम तोल कम, बोल बम तो कहते लेकिन तौल कम करके देते हैं, बहुत कुछ वो जोड़ते हैं, मुझे तो याद भी नहीं वो क्या क्या जोड़ते थे वो बोल बम वाले, क्षमा करें कोई बोल बम गए हो तो, मेरा कोई मतलब उस उद्देश्य अलग नहीं कि मैं आलोचना करूं, लेकिन ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार से यात्रा करेंगे, नंगे पैर चलकर कठिन काम करेंगे, तंबाकू नहीं छोड़ पाते हैं। क्या मैं सच कह रहा हूं, तीर्थ यात्रा करके चारों धाम करके आते हैं, ऐसे लोग भी तमाकू नहीं छोड़ पाते हैं, कठिन काम कर लिए, सरल काम था छोड़ देना।
वो नहीं कर पाए, इससे जीवन बदलता वो नहीं कर पाते हैं। अब उसके लिए करते हैं जिससे जीवन में कोई बदलाव ना आए, उस काम को करते हैं। कई लोग मैं देखा, वही की बात बता रहा हूँ, राजस्थान की, ऐसे लेटते हैं। और उधर बिलासपुर में भी एक आदमी बैठा हुआ है, मौन बैठा रहता था, और तपस्वी बाहर ही खुले में उनको एक बार देखने गए थे। ऐसा लेटते हैं, सामने हाथ जहाँ तक गया नारियल रखे, फिर वहाँ तक के, फिर उठे, फिर वहाँ से लेटे, फिर लेटे, अर्थात लेटते हुए वहाँ तक दर्शन के लिए जा रहे हैं। कितना कठिन काम है, सोच रहे हो इस चीज़ को? सोच करके लग जाता, उफ कितना द्रुह काम ये कर रहा हो। क्या करना है? बैठ जाओ एक जगह, साहब कहते बैठ जाओ एक जगह और अंदर ठीक करना शुरू कर दो। मेरा मन पवित्र रहे, किसी के बारे में गलत ना सोचो, शब्द बोलने लगो ध्यान दो, गलत शब्द ना बोलो, गाली ना दो, झूठ ना बोलो और कटु शब्द ना बोलो। ये कबीर साहब जी जो कहकर चले गए हैं, हम लोग तो कबीरपंथी केवल हो गए हैं, उनके बिना उनकी वाणियों को भी सार्थक नहीं करना जानते हैं। आपके मुंह से गाली निकले क्या बताऊं, आप इंसान है कुछ और हैं, आप अपशब्द बोलते हैं, इतना तो संयम रखो। साहब ने क्या कहा है, समझ रहे हैं ना? कोई गाली दे भी दे तो भी आप लौट कर गाली मत दो। आवत गारी एक है उलटत होए अनेक, कहां ही कबीर ना उलटिए वही एक की एक। क्यों गाली दे रहे हो, क्यों शब्द को बिगाड़ रहे हो? बस ध्यान दो, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपु ही शीतल होए। कबीर साहब ने तो कही ये बात, आप ऐसा बोलो दूसरा भी शीतल हो जाए, आपु ही शीतल होए। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार होए संचरय शालय सकल शरीर। शब्द संहारे बोलिए शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द करे औषधि एक शब्द करे भाव। साहब ने यह भी कहा है, बोल तो अमोल है। क्या बताऊं, उनकी पंक्ति जब कभी पढ़ो तो सही, आपको दिल बेध जाएगा। लेकिन मैंने कहा ना, अभी उसी के लिए चर्चा कर रहा था, एक पुस्तक खोल के नहीं पढ़ सकते हैं। क्या मतलब आपके पढ़े लिखे से, क्या मतलब निकलता है पढ़ने लिखने से बताओ? एक आदमी जो पढ़ना जानता ही नहीं, अरे एक दूसरा आदमी जो पढ़ना तो जानता है लेकिन पढ़ता नहीं, बराबर है ना? लगभग मोबाइल का बराबर है ना, ये शराब से भी पढ़ना जानता है लेकिन पढ़ता ही नहीं है। क्या कहा? जैसे सोने का सिक्का कभी कभी पीता है, और एक एक रुपये का सिक्का हो वो पानी के नीचे तली में हो, भगवान का भजन नहीं करता, मोबाइल करता है। दोनों की कीमत बराबर है। रात में ध्यान करते नहीं सोता है, मोबाइल का ध्यान करके प्रयोग करो। क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो आपके पास देखते हैं, पढ़ने की अनुभव करते हैं, आपके भीतर में बदलने के लिए बैठने का ध्यान, आप उसका प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं, आत्मचिंतन का समय ही नहीं कर रहे हैं, अच्छी पुस्तकों को पढ़ने का समय ही नहीं है, किसका प्रयोग करें? आजकल तो पुस्तक को न पढ़ने का जैसे कसम खा डालो। अच्छा बताओ, इसमें से कितने लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं? आजकल मोबाइल जो इस प्रवचन भरे पड़े हैं, अच्छे प्रवचन ना पहचाने को बदल दे, हाथ उठाएं और जो कभी पढ़े ही नहीं है, स्थिति है ही नहीं है। कभी विनोद में कहता भी हूं, इतनी खुशी की बात है, आप सभी पढ़े लिखे हैं करके भगवान सभी पढ़े लिखे किसी देवी देवताओं को पूछना चाहता हूं। महीना में करते थे कितनी पुस्तकें पढ़ने के बारे में आता है ना, सूर्य देवता को आह्वान किया, अच्छा साल ऐसे मंत्रोच्चार करके सूर्य देव आ गए, हाँ वरदान मांग, अच्छा छोड़ दो, या कोई पवन देवता, साल भी ऐसे साल भी आह्वान करते थे, कितने पुस्तक पढ़ के खत्म किए, देवता आते थे क्या करते थे मैं जान भी नहीं, कि केवल वो पुराणों शास्त्र में लिखा भर है। अब ये मैं उस पर नहीं जाता, लेकिन आज वो जीवन का निर्माण कर रहे हैं, आज वो सच है, कैसे सच है, कौन से सच, कौन से बुद्ध, इसके लिए कोई कबीर को आने की जरूरत है, यूट्यूब निकल लो, बुद्ध को आने की जरूरत है संदेश करने के लिए, अभिलाष साहेब जी आपके भीतर, हम सबके भीतर स्वयं जागृति नहीं हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, स्वयं आत्म और साहब बोलो साहब अंदर से विचार शुरू कर देंगे कि मैं ये भी नहीं कहेंगे कि रात में 11 बजे ना बोलो, थोड़ा सुंदर बनाओ 11 बजे रात को, ठीक है भाई, दुख में आप बोलेंगे नहीं बोलेंगे और दुख में देवता है नहीं है, उपयोग करते हैं क्या है, समस्याओं से घिरे रहते हैं, जीवन बिगड़े जीते बिगड़े, जीवन का विनाश हो, चाहे पारिवारिक रिश्तों में कहीं खटास हो, रात रात कहीं अनबन हो, चाहे पति पत्नी जीवन निर्माण करे, जो विचार हमारे जीवन को बनाए उसको हम प्रेम से भी रह सकते हैं, अच्छी बात कैसे कर सकते हैं, और फिर आप दुखी होंगे, नहीं भैया ऐसा कहा था ना, नहीं वैसा है, दुखी योग्य है, इसी बातचीत कर लो, दुखी होने की योग्य नहीं कर पाते, योग्यता ही अर्जित की, मैं दुखी हूँ, मैं अशांत हूँ, मैं पीड़ित हूँ, आप बीमारी योग्यता ही चले जाते हैं, उसकी है
लेकिन आप खुद ही मैं कहता हूँ को स्वास्थ्य बिगड़ गया, बदलाव ला सकते हैं। देख लो जरा से, ठीक कहते ना पुरानी कहावत है, कहाँ गड़बड़ है, कभी जान दे वही जब से चेते करूँ वो करूँ तब से सही, ठीक कर लो ठीक से, ताहे बिचारे से आगे की सुध ले। बीमार रहना कोई जरूरी है, पंक्ति याद कर रहा था, दुखी होना कोई जरूरी है, शब्द समारे बोले नहीं, बोल तो अमोल है जो कोई बोले जान, ये कारण चारों तरफ मौजूद है, बाहर दुखी हो सकते हैं ये भी असंभव नहीं है, होंगे संयम। जैसे ठंडी का मौसम हो, ख्याल करिए इंद्रियों ठंडी का मौसम हो, विचारों ठंडी लगे, अच्छा कोई सोचो अनहोनी बात है, अच्छा बोलो मौसम ठंडी लगेगी ही, लेकिन अनहोनी बात क्या है, ये एक विचार चाहिए, आश्चर्य वाली बात क्या है, बात मत बताइए, केवल एक बताइए, जो मैं रजाई है बता दूं, केवल एक कंबल है बताऊं, चादर है गरम गरम, और गरम गरम कपड़े वहां पर रखे, आप अपने विचारों को बदल करके आप अपने जीवन की बात आती है, अरे भी ठंडी लगी तो रजाई ओढ़ लो ना, पूरी चादर ओढ़ लो ना, अच्छा होना चाहिए ना, या आग जल अच्छा के पास बैठ जाओ, क्योंकि शब्द भी भीतर से निकलते हैं, ठंडी लगी है नहीं निकलते हैं, शब्द अंतस से निकलते नहीं जाते हैं, जब अंतस की सिलिया लगी है वहां जाकर बैठते हैं, होगी ही और अधिक ठंडी लगे, ध्यान दो यही गलती चले जाते हैं ना, जो रह कर टूटी है, अंदर में गंदगी है, आप अंदर में है, द्वेष है, नफरत है, घृणा है, अब जो शब्द निकलेगा, अच्छा किसी कह भी रहा है इसको छोड़ दो, आपके घर के बहुत नुकसान कर रहा है स्वास्थ्य के लिए, या आपके मित्र हो, या आपके कुछ नहीं लेते हैं में से हो, सही है ना, उसकी विषय में गलत है कि विचार अच्छे नहीं है, आपको होश हवास में जी नहीं रहे तो कैसे होगा, गलत सोचते रहते हैं हमेशा, तो जब इसलिए दुख है तो दुख से दूर हो, जाने के सच्चे भाव से प्रकट होगा, दुख तो है लेकिन दुख से गंदगी भीतर जा सकते हैं, यह भी योग्यता आंखों से, ये भी आपके चेहरे से, आपके क्रियाकलाप से सब प्रकट होते हैं, आप कितना छुपाओगे उसको, छुपा नहीं सकते हो, वो निकलेगा बाहर, निकलेगा ही, आपको पता नहीं चलता है, वो निकल जाता है, इसलिए असली चीज है धर्म का जो पहला काम है, पहला संदेश है, और अंतिम भी कह सकते हैं, वो कोई वेश बाना नहीं है कि मैं कपड़ा बदल लिया, तिलक लगा लिया, कंठी पहन लिया, या अमुक देवी देवता की पूजा किया, अमुक माला को जप किया, ये धर्म की कसौटी नहीं है, धर्म का संदेश है इनर कन्वर्शन, आंतरिक बदलाव, अंतस परिवर्तन, वो है असली चीज, जिसकी अंतस की बदलाव आ गया, अंतस की पवित्रता आ गई, वो धर्म के क्षेत्र में कदम बढ़ाया, बाकी सब तो दिखावा करते हैं हम लोग, केवल दिखावा करते हैं धर्म के नाम पर, ढोंग करते हैं सही कहा जाए तो, असली धर्म क्या है, आप पवित्रता के पथ पर चलें, मन की पवित्रता के लिए, वाणी की पवित्रता के लिए, कर्मों की पवित्रता के लिए कार्य करें, साहब ने यही कहा है, जो कुछ करो सो पूजा, ये बाहर की पूजा पाठ कहीं काम के नहीं आने वाली है, कोई करता है करे, लेकिन ये सोचे कि इससे मेरा उद्धार हो जाएगा, इससे मेरे पाप कट जाएंगे, धोखे में मत रहिए आप, असली चीज है अंतस की पवित्रता, अंतर का बदलाव आए, और मैंने बताया कभी अकेले में बैठो, देखो जरा मन को कैसे कैसे विचार आते हैं, अच्छे नहीं थोड़ा बदल दो, नहीं भाई ये करो, क्या कर रहे हो, क्यों गंदगी को भर के रखे हुए, मुझे बदलना है, ये बात जब आती है तो निश्चित रूप से हम लोगों का जीवन पवित्र होता है। तो कुछ बातें, आपके पास जो संसाधन है, आपके पास जो शक्ति है, उसका सही उपयोग करना जाने और आपका जीवन सुंदर होता चला जाएगा, ये साहब का संदेश है, मैंने कुछ बातें कही, आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, जो इस प्रकार के विचार जिसमें कोई कहानी नहीं, कोई किस्सा नहीं, बिल्कुल ठेठ है ना, वो कहना चाहिए कि क्या कहते हैं उसको, लठ मार जैसे लाठी से मार रहा हो, सही कि नहीं है, वो विचार को आप प्रेम से सुन रहे हैं और कोई उठ के गया नहीं, मतलब आप लोग सुने इतना प्रेम से, मुझे सेवा का अवसर दिए, इसके लिए आप सबको धन्यवाद। बोलिए सद्गुरु देव की जय, संत समाज की जय।